गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8। ठीक है, 8.1 हम कर चुके हैं, 2 भी कर चुके हैं, अब हमारी 8.3 पर। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है आपको। साइन 18 डिग्री दिया हुआ है और अपोन में साइन 72 डिग्री। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए, उससे पहले हमें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला जो है ये होगा आपका कि साइन जो 90 माइनस थीटा होगा तो वो किसके बराबर होगा बेटा, कोस थीटा के। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोस होगा, कोस 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, सेकंड में क्या दिया हुआ है आपको, सेकंड आपको दिया हुआ है सेकंड 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा आपका कोसेकेंट थीटा। उसके बाद कोसेकेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, सेकेंट थीटा के। थर्ड में क्या दिया हुआ आपको, टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कोटेंजेंट थीटा के। और कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर है आपका, टेंजेंट थीटा के। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, ये फॉर्मूले याद रखने हैं कि जो साइन 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। और कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा आपका, साइन थीटा के। और सेकेंड 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोसेकेंट थीटा के। और कोसेकेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, सेकेंट थीटा के। अगर टेंजेंट 90 माइनस थीटा की बात करें तो वो किसके बराबर है, कोट के। और कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा के। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 18 डिग्री। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो एंगल है ना आपके, इन दोनों का सम है ना आपका 90 आना चाहिए। इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ठीक है, ये तो हमें रफली करके देखना है, ये 18 और 72 का जो सम है वो क्या आना चाहिए, 90। ठीक है, जब अगर ये 90 डिग्री आता है तो इसका मतलब हमें इन दोनों में से एक को चेंज करना, चाहे आप साइन वाले को चेंज, चाहे ऊपर वाले को चेंज करो, चाहे आप नीचे वाले को, वो आपकी मर्जी है। कैसे चेंज करना है, जैसे कि मैं नीचे वाले को चेंज करती हूँ, ये ऊपर वाला एज इट इज है, नीचे वाले को चेंज करती हूँ। ठीक है, 72 है, 72 कब आता है, जब 90 में से 18 घटाते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाता है आपका, 72 आता है। ठीक है, तो ये देखिए साइन 18 डिग्री। ठीक है, और इसमें से जब साइन 90 माइनस थीटा होता है तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। ठीक है, और अब थीटा क्या है यहाँ पर, 18, तो कोस 18 हो गया। ठीक है, 18 डिग्री, तो देखिए ये साइन था ये कोस था, तो अब क्या है आंसर आपका, टेंजेंट 18 डिग्री। ठीक है, आंसर क्या है आपका, टेंजेंट 18 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है, टेंजेंट 26 सेकेंड पार्ट जो फर्स्ट का, टेंजेंट 26 और कोटेंजेंट 64 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, इसमें भी अब पहले आप ये चेक करो कि इन दोनों का सम आपका 90 आता है या नहीं। तो देखिए 6 और 4 10, 6 और 2 8 और 1 9, 90 पूरा 90 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक को चेंज कर देंगे। तो देखिए टेंजेंट, मान लीजिए मैं ऊपर वाले को चेंज कर रही हूँ। ठीक है, ऊपर वाले को अगर मैं चेंज करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस में 64 करूंगी, नीचे वाला ही है, 90 माइनस 64 करूंगी तो मेरा क्या जाएगा, 26 कोटेंजेंट नीचे, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसको हमने क्या किया, एज इट इज रखा। अब टेंजेंट 90 माइनस 64 है तो ये क्या हो जाएगा, देखो टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर था, कोट थीटा के। किसके बराबर था, कोट थीटा के। तो कोट क्या हो जाएगा आपका, 64 डिग्री। और नीचे भी आपको क्या दिया हुआ है, कोट 64 डिग्री, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा आपका, 1। आंसर क्या आया बेटा आपका, 1। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, कोस 48 साइन 42। ठीक है, आप क्या करोगे, कोस 90 माइनस में 42 कर दोगे। ठीक है,
क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के। किसके बराबर है? 90 डिग्री के। तो क्या करोगे आप, कोस 90 माइनस में अगर आप 42 करते हो बेटा, तो आपका कितना आता है, 48 आता है। क्या आता है? 48 आता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, साइन 42 दे रखा है। तो ये तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि कोस, दोबारा से ही समझाना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ऐसे शोर इतना तेज हो गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोस 48 माइनस में साइन 42, ठीक है। देखिए इन दोनों का जो सम है वो भी क्या है, 90 डिग्री। क्या आता है? 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए 90 डिग्री आता है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, कोस 90 माइनस, 90 में से क्या घटा कि 48 आए, 42 घटाओगे ना तो 48 आए, माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है बेटा। अब ये देखिए कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा, साइन थीटा के। तो आप चेंज कर दोगे यहाँ साइन 42, ठीक है, माइनस में साइन 42 डिग्री। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम सेम है, ये किसके बराबर आया आपका, जीरो। ये आंसर आया आपका जीरो, ठीक है। देखिए इसी का फोर्थ पार्ट आपको दिया हुआ है, फर्स्ट का क्या दिया हुआ है, कोसिकेंट 31 और सिकेंट 59, कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस में सिकेंट 59 डिग्री, ठीक है। देखिए इन दोनों का जो सम है 31 प्लस 59 इतना आया बेटा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री आता है तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से भी आपको एक को चेंज करना है, चाहे आप इसको चेंज करो चाहे आप उसको, वो आपकी मर्जी है। मान लीजिए मैं कोसिकेंट को करती हूँ, तो कोसिकेंट में क्या लिखेंगे, 90 में से मैं क्या घटाऊं कि मेरा 31 आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या घटाऊंगी, 59 घटा देती हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, 31। और ये एज इट इज है ही, सिकेंट 59 डिग्री, ठीक है। अब ये देखिए कोसिकेंट 90 में से ये 59 गया, तो आपका क्या है कोसिकेंट का, सिकेंट 31 डिग्री माइनस में सिकेंट 59, ठीक है। सो ये 59 आएगा, देखो कैसे कैसे आया। देखिए अगर आप कोसिकेंट में से 90 माइनस थीटा घटाते, देखो थीटा तो सिकेंट थीटा आता है ना, थीटा में आ गया, तो मैंने क्या किया था, कोसिकेंट में से 90 माइनस 59 घटाया, तो मेरा सिकेंट का भी 59 मान आएगा। अब ये भी सिकेंट 59 डिग्री है और ये भी सिकेंट 59 डिग्री है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो उनसे क्या आएगा आपका, जीरो, ठीक है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या देखिए क्या दिया हुआ, टेंजेंट 48, टेंजेंट 23 डिग्री और टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67 डिग्री। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए देखिए आपके पास 48 है, पहले आप ये देखिए क्या इनका सम जो है, इसके अंदर आपको सम की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपको दिया हुआ है टेंजेंट 48 और 23, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनमें से कोई भी एक चेंज कर दो, चाहे आप ये चेंज कर दो, इस वाले को चेंज कर दो, चाहे इस वाले को, किसी को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, टेंजेंट मैंने क्या किया, 90 माइनस 90 में से मैं क्या घटाऊं कि 48 आ जाए। आप खुद सोचिए, मैं 90 में से क्या घटाऊं कि मेरा 48 आ जाए, ठीक है। अगर मैं 90 में से 42 घटाती हूँ, अगर मैं 90 में से 42 डिग्री घटाती हूँ, तो मेरा क्या आ जाता है, 48 आता है, ठीक है बेटा, इतनी क्लियर है बात। उसके बाद देखिए कोई भी दो चेंज कर दो, कोई भी दो। अब ये देखिए ये क्या दिया हुआ आपको, 23 डिग्री। अब मैं 90 में से क्या घटाऊं कि मेरा 23 डिग्री आ जाए, अगर मैं 67 घटाती हूँ ना, तो मेरा क्या आता है, 23। आपके पास यहाँ दिया हुआ टेंजेंट 42 और ये दिया हुआ आपका टेंजेंट 67, इसको आप एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अब टेंजेंट 90 माइनस थीटा है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के, तो आपका ये क्या हो जाएगा, कोट 42 डिग्री। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका, कोट 67 डिग्री। और आपको यहाँ क्या दिया हुआ, टेंजेंट 42 डिग्री और ये दिया हुआ टेंजेंट 67 डिग्री, ये आपका एडिटिव, ठीक है। और आप ये लेफ्ट साइड लेके चल रहे हो, कोटेंजेंट को कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले फॉर्मूला करवाए थे कि कोटेंजेंट जो होता है वो किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1/2 में टेंजेंट 42 डिग्री,
ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको भी लिख सकती हूँ वन अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो किस चीज का निशान है, मल्टीप्लाई का। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट 67 डिग्री। ऊपर क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट 42 डिग्री और टेंजेंट 67 डिग्री। देखिए टेंजेंट 42 से टेंजेंट 42 कैंसिल, 67 से ये वाला कैंसिल, क्या बचा बेटा यहाँ पर वन, क्या बचा वन। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई आपकी, आर एच एस के, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। देखिए इसका सेकंड का सेकंड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है कोस 38 डिग्री, कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू में जीरो दे रखा है, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे, इसमें देखिए आपको खुद को पता है कि ये 8 है और ये 2 है, ये कितना हो गया 10 हो रहा है, ठीक है, और ये 5 और 3 9 90 हो रहा है। तो 90 अगर होता है तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं, किसी एक को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए किसी एक को चेंज करना है मुझे इन दोनों में से, तो मैं क्या करती हूँ, इसको चेंज कर दूं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, ये क्या होगा cos 90 माइनस 90 में से क्या घटाऊंगी 38 आ जाए 52, अगर 90 में से घटाते हैं हम, अगर मैं 52 घटाती हूँ तो मेरा क्या आ जाता है 38 आएगा, ठीक है। ये क्या आपका cos 52 डिग्री, ये एज इट इज है, माइनस साइन 38, ठीक है, और ये क्या आपका साइन 52। अब ये देखिए इन दोनों का सम भी कितना रहा मेरा 90, तो इन दोनों में से भी आप किसी एक को चेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर कोस 52 है, ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कोस अगर 52 है उधर, इस क्वेश्चन में आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आप यहां से इस एंगल को अगर बदलते हो, आपने इस एंगल को बदला है ना, तो आपको इधर से भी इसी एंगल को बदलना पड़ेगा। अगर आप यहाँ 38 को बदल रहे हो तो यहाँ पर भी आपको कौन से एंगल को बदलना है, 38 को ही बदलना है, 52 को नहीं बदलना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं 38 को ही बदलती हूँ, इसमें क्या करती हूँ 90 माइनस 90 में से क्या घटाऊंगी 38 आए 52, ठीक है, और आपका यहाँ पर क्या है साइन 52 डिग्री गिवन, ठीक है। अब ये देखिए कोस 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा साइन 52 हो गया, ठीक है, और ये क्या है कोस 52 डिग्री हो गया, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा आपका कोस 52 डिग्री और ये क्या हो जाएगा आपका साइन 52 डिग्री। देखिए साइन 52 साइन 52, कोस 52 कोस 52 बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या आएगा आपका आंसर जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आएगी आपकी, राइट हैंड साइड, ठीक है, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका पिछले साल एग्जाम में भी आया हुआ था, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, आपको पता है टेंजेंट 2a इज इक्वल टू में कोट a माइनस 2a दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है a का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के, ठीक है। तो देखिए अगर टेंजेंट थीटा लू मैं, टेंजेंट 2a लू, 2a क्या है थीटा है, ठीक है, तो मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो मैंने लिख दिया कोटेंजेंट 90 माइनस में 2a किसके बराबर है, कोटेंजेंट a माइनस में 18 डिग्री, ठीक है। देखिए कोटेंजेंट से तो कोटेंजेंट कैंसिल, क्या बचा 90 माइनस में 2a बराबर है a माइनस में 18, ठीक है। अब ये देखिए माइनस 2a है, ये उधर चला जाएगा, तो a प्लस में 2a और 18 को इधर ले आते हैं, तो 90 प्लस 18 कितना हो गया, ये 108 बराबर में 3a, a का मान कितना हो गया 108 बटे में 3, 3 3 9 3 6 18, तो a का मान कितना आ गया अपना 36, क्या निकला a का मान हमारा 36 निकल गया। हमें a का ही मान निकालना था, उसने क्या बोला कि 2a जो है वो एक न्यून कोण है,
तो देखिए आपका जो 2A है, 2A 36, 6 दुनी 12 और 2 3 6 1 7, तो ये आपका न्यून कोण भी आ रहा है ना, तो ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर गया और आपका A का मान भी निकल गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है कि टेंजेंट A बराबर कोट B है और आपको सिद्ध करना है A प्लस B किसके बराबर आए, 90 डिग्री के। तो देखिए एक फॉर्मूला अभी हमें पहले भी यूज किया है, 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के। ठीक है, तो इसको मैं इसमें चेंज कर सकती हूँ, तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है टेंजेंट A बराबर है कोटेंजेंट B के, तो मैं टेंजेंट A को किस में चेंज कर दिया, कोटेंजेंट 90 माइनस में A बराबर कोटेंजेंट B। ठीक है, तो कोटेंजेंट से कोटेंजेंट कैंसिल, क्या मिला 90 माइनस A बराबर B। ठीक है, तो ये क्या हुआ 90 को हम क्या करते हैं इधर ही रहने देते हैं और ये क्या हो जाएगा आपका B प्लस A। ठीक है, तो जो हमें सिद्ध करना था A प्लस B बराबर में 90 डिग्री, वो हमारा प्रूफ हो चुका है कि हमें क्या सिद्ध करना था, A प्लस B जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये हमारा 90 डिग्री आ चुका है, तो आप लिखोगे हैंस प्रूफ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, देखिए आपको क्या दिया हुआ, सिकेंड 4A इज इक्वल टू में कोसिकेंट A माइनस 20। ठीक है, तो आपको पता है कि जो कोसिकेंट 90 माइनस में थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, सिकेंट थीटा के, ये आपका फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसी का यूज करोगे, इसको किस में बदल दोगे, इसके अंदर चेंज करते हुए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोसिकेंट 90 माइनस में यहाँ क्या है 4A, तो 4A रख दोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा था तो थीटा रखा है, 4A है तो 4A रख दो। ये क्या हो जाएगा आपका, कोसिकेंट A माइनस में 20 डिग्री। ठीक है, कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल, क्या बचा 90 डिग्री माइनस 4A बराबर है A माइनस में 20 डिग्री। ठीक है, A वालों को एक तरफ कर दो, प्लस में 20 डिग्री बराबर है A प्लस 4A, कितना हो गया बेटा 5A। ठीक है, बराबर कितना हो गया 110 डिग्री, तो A का मान निकालना है, तो 110 बटे में 5 कितना हो गया, 5 दुनी 10 5 दुनी 10, तो A का मान कितना हो गया आपका 22 डिग्री। ठीक है, उसने ये बोला कि 4A जो है वो न्यून कोण है, देखिए 4 की मल्टीप्लाई करके देख लो A से, आपका क्या आता है 88 डिग्री, और 88 डिग्री क्या आपका न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, ये आपका न्यून कोण आ गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, सिक्स्थ, देखिए क्या दिया हुआ है सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर में, त्रिभुज ABC, ठीक है आपको ये दे दी त्रिभुज ABC, इनके अंत्य कोण, ठीक है आपको क्या दिया हुआ है, इनके अंत्य कोण, अंत्य कोण, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे दो किसके बराबर है, कोस ए बटे दो के। ठीक है, देखिए आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, किसके बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी किसके बराबर हो गया आपका 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, मुझे यहाँ क्या दिया हुआ बी प्लस सी, तो मैं बी प्लस सी को रहने देती हूँ, बी प्लस सी किसके बराबर हो गया 180, ये ए उधर चला जाएगा माइनस का ए। ठीक है, ए तो बी डिग्री जो है ये बी डिग्री प्लस में सी डिग्री, ये किसके बराबर हो गया 180 माइनस में ए के। ठीक है, अब ये देखिए बी प्लस सी किसके बराबर है 180 माइनस, अगर इसके बटे में दो है तो मैं दोनों तरफ क्या कर देती हूँ, दो से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरा ये क्या देगा बी प्लस सी बटे दो बराबर है 180। ठीक है, 180
बटे दो माइनस का ए बटे दो, ऐसे कर सकते हैं ना इसको अलग अलग। ये कितना हो गया 90, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस में ए बटे दो। तो मैं बी प्लस सी बटे दो की जगह 90 माइनस में ए बटे दो भी रख सकती हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो आप क्या करोगे, आप साइन का साइन की जगह पर साइन रखोगे, बी प्लस सी बटे दो की जगह पर आप क्या रख सकते हो 90 माइनस में, क्या रख सकते हो 90 माइनस में ए बटे दो। तो आप लिखो 90 माइनस में ए बटे दो, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा वो किसमें बदल जाता है, कोस थीटा में। अब कोस थीटा यहाँ पर क्या है, ए बाय टू है, क्या है आपका ए बाय टू, तो कोस ए बाय टू, ठीक है। आपकी लेफ्ट साइड क्या आई है, कोस ए बाय टू आई है, और राइट साइड भी आपका क्या दिया हुआ है, कोस ए बाय टू। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है, क्लियर है, बस इतना ही करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ, देखिए क्वेश्चन नंबर सेवंथ में क्या दिया हुआ है, 67 साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। आपको क्या निकालना है, 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोण या अनुपातों के रूप में व्यक्त कीजिए। इट मीन्स इसमें आपको दोनों को चेंज करना है। देखिए अगर आप साइन 90 में से क्या घटाए कि आपका 67 आ जाए, अगर मैं 23 घटाती हूँ तो मेरा क्या आता है 67, अगर मैं 90 में से क्या घटाऊं कि मेरा 75 आ जाए, 15 घटाती हूँ तो मेरा क्या आता है 75, ठीक है। तो देखिए साइन आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के, और कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, साइन थीटा के, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस 23 डिग्री, और उसको क्या लिख सकती हूँ, साइन 15 डिग्री, ठीक है। अब ये देखिए उसने क्या कहा, ये दोनों जो है वो 0-45 के त्रिकोण मितीय अनुपात में आते हैं। तो देखिए इन दोनों का जो ये दोनों ही 0 से तो बड़े आते हैं और 45 डिग्री से क्या आते हैं बेटा, कम आते हैं। 0-45 के बीच की बात की है ना, 0 और 45 के बीच की बात की है, तो देखिए ये दोनों ही 23 डिग्री भी 0 से बड़ा है और 15 डिग्री भी 0 से बड़ा है, और दोनों ही 45 डिग्री से कम है, तो ये इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर दें। तो आपका आंसर भी क्या हुआ, 23 डिग्री प्लस में साइन 15 डिग्री, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। 8.3 जो है वो आपकी बिल्कुल आसान एक्सरसाइज थी, इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इसे अच्छे से और ध्यान से कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू।